ये रहा घर, ये वाला सबसे छोटी मौसी का घर है ना, और ये मछली वाला मौसी का घर है, और ये मेरी नाना दा देवर बोल रहे, सॉरी नाना दा रोहित, और ये है सबसे छोटी वाली मौसी रेनू मौसी। सारे के सारे देवर ही है मेरे, पूरा काम में लगल है। वैसा अच्छा बात है, काम करना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियोस में। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मेरा मौसी सास के घर, क्योंकि उनके घर में नया वाला घर बनाया हम लोग, तो उनके घर का जो पूजा है, तो हमने सोचा कि चलते हैं, हमें भी इनवाइट मिला हुआ है, तभी हम लोग जाने वाले हैं। और मैं, गोलू बाबू, हम लोग एक बाइक में जा रहे हैं, और मेरा देवर वो बाद में आएंगे, बोला थोड़ा सा फ्रेश होके, तो उनका वेट नहीं करते हैं, हम लोग अभी निकलेंगे। मैं अभी नीचे हूँ, सॉरी, गोलू आ रहा है, वो फिर बाइक इधर से फिर ले कर निकालेंगे। पूरा पसीना पसीना लग रहा है, पूरा गर्मी में मैं पूरा भीग गई हूँ जैसा लग रहा है। अभी तो भी हम हल्का सा कपड़ा पहना दिए, वहाँ पे जाने के बाद हम उसका कपड़ा उतार देंगे, गर्मी का टाइम है, ब्लैक वाला पहना है ना, तो कुर्ता एक पतला वाला कपड़ा था, तो मैंने सोचा इसी को फेरो, नहीं बेटा वो बाइक में ले जाएंगे, वो उसको ही जानता है कि मेरा पापा का बाइक है, तो ये वाला बाइक में नहीं आना है, अरे उसमें चढ़ने खोज रहा है। अरे बेटा बुलेट में जाएंगे, बुलेट में तो हाँ देख लिया, पूरा दौड़ रहा है, धीरे धीरे से दौड़ रहा है, हाँ इधर रे कर। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं गोलू? अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं कांके, क्योंकि वहाँ पे मेरा मौसी सास लोग, दोनों मौसी वही रहती है, तो हम लोग कांके जा रहे हैं, कांके में ही वो लोग घर बनाया हुआ है। थोड़ा सा फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं ऐसे घर में, नया घर जब क्या बोलते हैं उसको, पूजा होता है तो क्या गिफ्ट करते समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ फल फूल ही लेके जाते हैं, तो फिर मैंने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले रही हूँ, अंगूर है, संतरा है, केला है और सेव है, तो वही से अंकल के पास से हम लोग लेके जा रहे हैं। अंगूर टेस्ट लगा ना, कैसे लगा बोलो? टेस्ट है, हाँ अंगूर भी मस्त टेस्टी वाला था, देखो लिख रहे हम लोग दो जगह में करवा दे रहे हैं, दोनों मौसी के घर है, सोचे जा रहे हैं पहली बार, तो दोनों मौसी के घर में थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। गाइस, ये रहा मौसी लोग का घर, इधर वाला है, ठीक है, इधर मैं बाद में दिखाऊंगी नया वाला घर, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी मौसी के घर, मतलब जस्ट सामने ये वाला, ये जो इधर वाला, वो भी आ रहे हैं, हम भी जाएंगे, मतलब यहाँ पे दो दो मौसी साथ में ही रहती है, मतलब सामने। और ये है सबसे छोटी वाली मौसी रेनू मौसी, इनके घर अभी यहाँ पे आ रहा है, पहली बार इनके घर घुसे हम। यहाँ से इधर ये वाला ना, नहीं कोई देखो ये मेरा देवर लगते हैं, इन्हीं के घर है। ये अपना घर दिखा रहे हैं हमको, इधर भी बालकनी है। और यहाँ पे सामने में कौन सा मेडिकल है यहाँ पे? हाँ इधर सामने में एक मेडिकल है ना, पता है कौन सा बोल? हाँ, और ये मेन रोड है, यहाँ से अच्छा व्यूज आता है। इधर अच्छा, इधर रेंट लगा हुआ है ना, यहीं तो जा सकते हैं। गाइस, अमीरों का घर देख। बड़ा बड़ा है। अच्छा इधर, और उधर भी है, पूरा एक राउंड मतलब है ना।
अच्छा है सब तरफ बाल को नहीं छोड़ा हुआ है। जाते हैं पूरा घूर के देखते हैं। और ये वाला घर भी मासी लोग का है जो आज पूजा हुआ इसमें, और इसी में के लिए खाना बन रहा है। यहाँ पे वहाँ पे देख सकते हैं सारे कुछ खाना बना रहे हैं ये वाला में ना। चलिए अब रिटर्न घर पे जा रहे हैं। बहुत बड़ा घर है, बाप रे बाप, चारों तरफ घूम घूमना। एक दिन में चारों तरफ घूमते हैं? नहीं घूमते हैं, अच्छा नीचे ऊपर, लेकिन यहाँ पे राउंड राउंड करके बालकनी में नहीं घूमते है ना। अच्छा खाना खा के हाथ धो रहे हैं यहाँ पे। अभी लंच हो गया, बाद में डिनर भी होगा, अब अंदर चलते हैं। अब हम लोग नए घर पे आ गए हैं, बाद में दिखाएंगे घर का। इधर से चलते हैं, यही है नया वाला घर। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खाना, मतलब पूरा पेट भर खाना खा लिए। अभी खाना ना खाने के बाद अभी रेस्ट कर रहे इधर, तो इधर देख से मेरा भाई लोग सब इधर, दोनों भाई लोग इधर है, हर घर भी है, और मनीषा भी बाहर में मौसी लोग सब बैठी हुई है। और इधर हॉल में मतलब शादी का कैसेट चल रहा है एक्चुअली, तो सभी लोग शादी का वीडियो देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं लोगों को। ठीक है तो गई सभी, हम लोग खाना खाने के बाद छत पे हैं, और ये मेरे ननद है, रोहित के साथ रह रही है ना, देवर ननद में फर्क आने लग गया है। ननद है, यही लोग का घर पूजा हो रहा है। अभी हम लोग छत पे हैं नया वाला घर पे, और इधर इधर खाना खाने के लिए डेकोरेशन किया जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत टेबल बिछाया गया इधर, इधर चेयर वगैरह ये सारी चीज़ें हुआ नहीं है। और उधर तो खाना पीना बन ही रहा है उस साइड में, और यहाँ का व्यूज़ देख रहे हैं कुछ इस टाइप का दिखता है इधर। मतलब ठीक है, शांत एरिया है, कांके साइड में ना थोड़ा शांत एरिया है, ठीक ठाक है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे सलाद खाते हैं, खाने का मन कर रहा है। खाइएगा आप, खाइए, हमको पसंद है। गाइस ये रहा घर, ये वाला सबसे छोटी मासी का घर है ना, और ये मछली वाला मौसी का घर है, और ये मछली मौसी का बेटी है, इन्हीं लोग का घर है। गाइस ये देवर है, ये भी फेमस हो जाएगा, ये ननद है, ये भी फेमस हो जाएगा, और ये सामने में कुत्ता आ रहा है, ये भी फेमस हो जाएगा। हेलो भाग रहा है, चलिए घुसते हैं। ये क्या है, वॉशरूम, नहा सकते हैं। हाँ नहा सकते हैं, ये कुआं है ना, गलती से अगर फोन गिर गया तो बाय बाय हो जाएगा। है कुआं है ये, बस यहाँ पे भरना है, बाइक वाइक पार्किंग कर सकते हैं आराम से। आप हम लोग के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचे कि ठंडा उंडा लाद है, एकलौती भाभी है अभी फिलहाल के लिए, कोई बनी नहीं है। यहाँ पे विष्णु जी का कैलेंडर, और इधर इधर वॉशरूम है, इधर तीनों वॉशरूम है, और ये भी इन्हीं लोग का घर है ना। इस सब में भाड़ा लगा हुआ है? नहीं भाड़ा नहीं लगवाया, लेकिन लगवाएंगे बाद। अच्छा लगवाएंगे बाद में, ये सब भी इन्हीं लोग मतलब लो इतना अमीर है ना कि घर कम मतलब इतना ज्यादा है और इंसान कम पड़ जा रहा है, बताइए क्या करे, बहुत पैसा। अच्छा तो चलिए अब इधर चलते हैं, उधर भी वो वाला दरवाजा भी, यहाँ से छत जाने वाला दरवाजा है, ठीक है, और इधर से इधर, और ये ना मेरा नाना लगता है, और ये मेरा मामी लगते हैं, और अभी लोग बड़ी वाली ननद का क्या बोलते हैं उसको, शादी का वीडियो चल रहा है यहाँ पे। चलिए उधर वाला सीढ़ी दिखा दे, और यहाँ पे जो पूजा हुआ है उसका, इधर भी एक रूम है, और वहाँ पे भी वॉशरूम है। ये मॉडर्न जमाना का किचन है, वो भी स्टाइलिश वाला। यहाँ पे भी शायद वॉशरूम है नहाने वाला। बस मतलब नहाने के लिए। और इधर भी है, और ये आई थिंक पूजा वाला रूम है, ये पूजा वाला रूम है, और भी ये वाला भी एक रूम है। यहाँ पे
बाबू को हम लोग सुला दिए, अभी एकदम सो गया है। और इधर भी पूरा क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडेड वाला यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, कबर्ड मिरर सारा चीज़ें बना हुआ है। हेलो, हाय, मेरे वीडियो देखते हो? हाँ, ये मामी का बेटा है। और भी इधर चलेंगे, और भी एक रूम है इधर, लेकिन इधर ज़्यादा कोई रहता नहीं है रे भाई, हम लोग कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, खाली है देख रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे स्टाइलिश वाला कबर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। सब गोनू लोग तो चले गया है, वो लोग भी आ जाएगा थोड़ी देर में, पता नहीं वो लोग किधर गए, पता ही नहीं चल रहा है। शाम में पूजा तो हो गया है, 11 बजे से 1 बजे तक पूजा चला, फिर रात में अभी खाना होगा, हम लोग दोपहर में भी खाना खाए छत में, रोहित अभी खाना खाने के लिए वहाँ पे, मैं दिखाई थी ना थोड़ा बहुत वहाँ पे हो रहा है, उधर एक देसी ने मुझे दिखाना ही भूल गई। चलिए देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं मंदिर, नहीं छोड़ दीजिए, और इधर है मौसी और मम्मी। कौन सा मंदिर जा रहे हैं? शिव मंदिर ना, लीजिए इसको कोई। और चप्पल एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरा हील्स जो है वो रखा हुआ है और मैं मौसी का चप्पल पहन रही हूँ, हो भी गया। यहाँ से कितना दूर होगा? पास में, ठीक है, वहीं पे जाएंगे। आ चुके हैं शिव मंदिर, ये रहा, मुझे लग रहा है बहुत प्राचीन मंदिर है, चलते हैं अंदर। तो मंदिर से पूजा करके आ गए हैं घर रिटर्न। चलिए जिम जाइएगा, कब आओगे? नहीं नहीं, तो गई सभी हम लोग छत पे आ चुके हैं, यहाँ पे अभी कुछ देर में डिनर चलने वाला है, और अभी हम लोग कुछ यहाँ पे खाने वाले हैं। और इधर देखिए स्पेशल डिश, बहुत ही टेस्टी स्मेल आ रहा है, कुछ देर में अभी खाएंगे हम लोग और उसके बाद निकल जाएंगे। और अभी प्यारी लग रही है नीतू, अभी अच्छी लग रही है, मेकअप की हो इसलिए। थैंक यू सो मच बोल रहे हैं। हेलो गाइस, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरी नई नवेली भाभी। नई नवेली भाभी नहीं हूँ मैं यार, 3 साल हो गए, मेरे लोग कभी मेरे को जज ही नहीं करते। पहली बार मिली और हमको भगाने का कोशिश किया। नहीं, हम भगा सकते, इतना हिम्मत है मेरे में। अभी मिल गया मुझे खाना। बोलो, ये चटनी है, रसगुल्ला है, सलाद है, पापड़ है, सब्जी है, और ये भी सब्जी है, ये दही बड़ा है, और ये भी सब्जी है। चल स्पेशल क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं? नहीं हटा कैटरर बोलो, या मतलब कभी भी किसी का शादी वादी होगा ना तो स्पेशल का नंबर मैं दे दूंगी इसका, सारे के सारे देवर ही है मेरे, पूरा काम में लगल है, वैसा अच्छा बात है, काम करना चाहिए। एक रसगुल्ला कितना रुपया? इतना सस्ता ही वो बोला 5 रुपया करके बोल रहे, इतना सस्ता। जस्ट अभी हम लोग घर आ चुके हैं मासी लोग का घर से, और मैं थोड़ा सा भी अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ, मैंने वहाँ पे ज़्यादातर नहीं कर पाई, और हमने अलग अलग खाना खाया, गोलू अलग से खाया, मैं अलग से खाई, और थोड़ा सा मैं बातचीत कर रही थी फिर आते आते, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है? 10 बजने वाला है, हाँ 10 बजने वाला है। और देखिए मासी हम लोग को दी है, यहाँ पे तवाल दी है, पेटीकोट है, और देखिए साड़ी दी है, थोड़ा सा सिल्क टाइप का है, देख सकते हैं ये वाला साड़ी दी है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी आई थिंक ब्लू रेड है, हाँ ब्लू रेड है, ये भी अच्छा लग रहा है इसका कलर, इसको अब रख देते हैं। बनारसी लिखा हुआ है, बनारसी साड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बनारसी सिल्क बनारसी, और साथ ही में पेटीकोट भी दिया है, और गोलू के लिए दिया है ये तावल। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तावल, मेरा तो तावल का लाइन लग गया है ना, हाँ हाँ गोलू बोल रहा है मेरा तो तावल का लाइन लग गया है, इसको रख देते हैं। चलिए अब गोदरेज में लेकर रख देते हैं, रुको बेटा दोनों छोड़ना आ रहे, देख जान के बंद कर रहे हैं, बताइए हम जा रहे हैं तो इसमें मैं साड़ी वाड़ी सब स्टोर करके रख लूँ ना, यहाँ पे रखेंगे गाइस, यहाँ पे रखेंगे या फिर
रख देते हैं सारा को यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ, यहाँ पे रख दे हूँ। और यहाँ पे अरे यार साड़ी को मैं कैसे रखी हूँ, कितना खराब लग रहा है, रखने भी नहीं आता है गाइस हमको, बताइए। लग नहीं रहा, लग गया, बहुत मुश्किल से लगा, ऐसे फिट करिए दिया है ना। चलिए व्लॉग आज तक यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना है लाइक और बहुत सारा कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे न्यू व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।